السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سنى بسنته الى يوم الدين اما بعد برادران اسلام सलाद के बाब में होने वाली ग़लतियों को हमने बयान किया गलतियों में से एक ग़लती ये भी है कि कोई मुसलमान मस्जिद में सलात अदा करने के लिए जगह अपने लिए ख़ास कर ले बहुत सारे मुसलमान होते हैं कि मस्जिद में नमाज़ की अदायगी के लिए अपने लिए जगह को मुख्तस कर देते हैं। जब भी आप सलात में देखेंगे वो मुसलमान वहाँ नज़र आएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सलाद की अदायगी के लिए जगह मुख्त करने से मना कर दिया आपने रोक दिया नहा अवतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इंसान को कि वो अपने नमाज़ अदा करने की जगह ऐसे ही मुख्त कर ले ऐसे ही ख़ास कर ले जैसे कोई ऊंट अपनी जगह ख़ास कर लेता है आप जानते हैं कि ऊंट जैसे ही अपने मकर पर पहुंच जाता है तो उसकी जगह ख़ास होती है ख़ास जगह पर पहुंचकर वो बैठ जाता है आराम करने लगता है ऊंट के लिए जैसे जगह खास होती है वैसे कोई आदमी अपने लिए मस्जिद में जगह को खास ना कर ले जगह को मखसूस करना हदीस की रोशनी में मना है और इसकी हुकमत कराम बयान करते हुए कहते हैं कि बसा औकात अगर कोई आदमी अपने लिए जगह को खास करता है तो गोया इबादत में वो उस जगह से मशहूर हो जाता है जगह की तख्स आदमी की शोहरत का एक जरिया बन जाती है और जहाँ तक हो सके इंसान को अपनी इबादत अपने और अपने रब के दरमियान रखनी चाहिए जगह को ख़ास करके मशहूर होने की कोशिश ना करें ऐसे मशहूर होना कि अगर वो कभी गायब हो गया तो लोगों की नज़रें उस तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं कि फला साहब गायब हैं आज हाजिर नहीं हैं तो गोया शोहरत का एक जरिया बन जाती है एक सबब बन जाती है इसलिए ने कहा कि अपने लिए जगह को खास ना करें दूसरी हमत मना कि ये बयान करते हैं कि आदमी जितनी ज़्यादा जगहों पर अल्लाह की इबादत करेगा वो जगहें कल़ियामत के दिन अल्लाह के दरबार में उसके हक में गवाही देंगी अपनी गवाही पेश करेंगी मजीद में अल्लाह ताला फरमाते तरमाते यूँ मैं तोहदीसु अखबारा कि कल क़ियामत के दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी इमाम शौकानी और दीगर इस आयत की तफसर बयान करते हुए कल क्यामत के दिन रब के दरबार में उसके हक में गवाही पेश करेगी इसीलिए कराम जिस जगह आदमी फर्द नमाज अदा करता है उसी जगह नफिल नमाज अदा करने से मना करते हैं जब तक कि वो अपने जगह को तब्दील न कर दे अपने जगह को बदल न ले हालांकि वहाँ अदा करना जायज़ है लेकिन आदमी के लिए बेहतर ये है अफजल ये है कि वो अपनी जगह को तब्दील कर दे और उसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि कल क़ियामत के दिन ये जगहें रब के दरबार में मुसल्ली के हक में अपनी गवाही पेश करेंगे इसी तरीके से एक हिकमत ये भी बयान करते हैं कि आदमी अगर एक ही जगह पर इबादत का आदि हो गया तो इबादत उसके लिए आदत बन जाती है इबादत न रहकर आदत बन जाती है कि वो इंसान वजू करता है उसी जगह पर आके बैठ जाता है तो इबादत का जो तस्वूर होना चाहिए शुरू और एहसास होना चाहिए बसा अवकात वो एहसास ख़त्म हो जाता है और इबादत उसके लिए मामूल बन जाती है आदत बन जाती है और जब इबादत आदत बन जाती है तो शुरू और इबादत का एहसास ख़त्म होकर उसके सवाब में कमी वाक़ होती है लिहाजा कभी भी एक जगह को खास करके आदमी को अपनी इबादत को आदत नहीं बनाना चाहिए मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों इन्हीं हिकमतों के पेश नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इबादत की जगह को खास करने से मना कर दिया रोक दिया कि कोई मुसलमान अपने लिए मस्जिद में जगह को मुखस कर ले उसी जगह पर वो उठता है उसी जगह बैठता है उसी जगह इबादत करता है और हर नमाज उसकी उसी जगह अदा होती है तो इस तरीके से अपने लिए इबादत की जगह को खास नहीं करना चाहिए बल्कि जब वो मस्जिद में दाखिल होता है और जहाँ भी उसको जगह खाली नज़र आती है वहाँ वो अल्लाह ताला के लिए इबादत को अदा करने की कोशिश करे और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली सफ़ में इमाम की दाएँ जानब खड़ा होकर जो अल्लाह ताला ने उसके हक़ में सवाब लिखा है सवाब बयान किया है उस सवाब को वो अपने लिए हासिल करने की कोशिश करे और एक जगह इबादत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालफत का मुरतकब ना बन जाए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की जो बयान करदा नमाज की कैफियत है उसी कैफियत के साथ नमाज को अदा करने की तोफ़ी कदा फरमाए अल्लाह ताला रियाकारी और शोहरत से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए आमीन व आखिरबमी असलमकुम वर्का